अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो आज के व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मक्का के बाज़ार, जहाँ से लोहाजी लोग जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ, ये मक्का टावर के ना बिल्कुल पीछे वाली साइड पर है, ठीक है। इसको हम मतलब मिसला कुबरी बोलते हैं, जो मतलब पाकिस्तानी होते हैं उनको अच्छे से नाम नहीं आता, वो ये कहते हैं कि बिस्मिल्ला कुबरी। ये बहुत ही मशहूर है, मतलब इसे कबूतर चौक भी कहते हैं, ठीक है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना ये विज़िट करवाऊँगा मक्का के जो बाज़ार हैं, ठीक है। यहाँ से जो हाजी लोग होते हैं उमरा ज़ायरीन जो उमरा करने आते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, मतलब जहाँ जहाँ से भी पूरी दुनिया से आपको पता है कि लोग उमरा करने आते हैं, हज करने आते हैं, तो वो यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अलग अलग मतलब अपने गली महल वाले के लिए यहाँ से वो शॉपिंग करते हैं और सोना वगैरह जेवर वगैरह भी खरीदते हैं। तो माशाल्लाह से ये जाय नमाज लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप जाय नमाज भी यहाँ से खजूरें मिलती हैं, टॉफियाँ वगैरह मिलती हैं, ठीक है। मतलब आपको हर जगह हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है आपकी ज़रूरियात के मुताबिक। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका सारा विज़िट कराऊँगा, आपने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी चीज़ें ना यहाँ से हमें ख़रीदने को मिल जाती हैं, ठीक है। महंगी होती हैं थोड़ी, लेकिन ये है कि मक्का की नस्बत जो मदीना पाक में है ना, वहाँ से चीज़ें हमें सस्ती मिलती हैं, ठीक है। माशाल्लाह से आप इधर भी चेक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको विज़िट करवाया, अभी मैं आपको जो मेन मार्केट है वह उसकी तरफ लेके चलता हूँ, बिस्मिल्लाह कुबरी की तरफ, ठीक है। ये बिल्कुल मक्का टावर जो है ना, मक्का टावर, ठीक है, उसकी बिल्कुल ही बैक साइड पे ये वाला जो बाज़ार है, ये बिल्कुल उसकी बैक साइड पर है, ठीक है। ये अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उसी तरफ, ठीक है, जो मतलब इसकी जो मेन मार्केट है ये उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ से आपको होटल भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, होटल भी बहुत प्यारे, रहायशगाह जो यहाँ पे मिलती है हाजी ज़ायरीन को, वो बहुत ही प्यारी यहाँ से हमें मिल जाती है, ठीक है। रहने के लिए अच्छे मकान मिल जाते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ से मतलब ज़ियारत और चीज़ें ज़ियारत के लिए कुछ लोग जा रहे हैं मक्का में हरम में। तो यहाँ से ये होटल भी हैं, यहाँ से आपको रहायश भी माशाल्लाह से अच्छी मिल जाती है। तो ये वही बाज़ार है, ठीक है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे अच्छे बाज़ार हैं, यहाँ से आपको कभी भी आप उमरा करने, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको यहाँ पे हाजिरी के लिए बुलाए, और जब भी आप आएँ तो यहाँ पे विज़िट लाजमी करें। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बाज़ार है, ठीक है। ये मक्का टावर के बिल्कुल ही बैक साइड पर है, यहाँ से आके यहाँ पर आके आप अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये मैं उसके अंदर आ गया हूँ, जो गली है ना उसके अंदर, माशाल्लाह से यहाँ से आपको विज़िट करवाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखें, ये हिजाब लगे हुए हैं, ठीक है, ये दुपट्टे हैं, ये शाले लगी हुई हैं, ये ऊपर कढ़ाई वाले दुपट्टे हैं, ठीक है। माशाल्लाह से ये इधर भी हिजाब लगे हुए हैं, जाय नमाज लगे हुए हैं, जो मर्दों के परने होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो ये मैं दूसरी तरफ आ गया, अब मैं आपको मक्का की गलियों के में थोड़ा सा विज़िट करवाऊँगा, मैं ज़रा दूसरी साइड पे आऊँ, ठीक है। ये मक्का की गलियाँ हैं, ठीक है, ये आप बकायदा चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही वीरान सा इलाका, ये बहुत मतलब अजीब किस्म की गलियाँ इधर ना, ये एक बैठा हुआ पता नहीं ये सूडानी है या कौन है, ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी आगे वाली साइड पे लेके चलता हूँ, ये मैं बाहर की साइड वाली बाहर निकल आया हूँ, ठीक है। यहाँ से आप मक्का देख सकते हैं, मैं काफ़ी ऊँचाई पर खड़ा हूँ, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये बकायदा पूरा व्यू मैंने कैच किया। तो ये फिर मैं वापस जो है ना हरम की तरफ आ गया हूँ, यहाँ से मैं खजूरें लूँगा, ठीक है। ये तीन नंबर हमाम है, हरम के बिल्कुल सामने तीन नंबर हमाम है, उसकी बैक साइड पे यहाँ पे आपको खजूरें मिलती हैं फ्री में, ठीक है। यहाँ पे आपको कहवा भी पीने को मिलता है, चाय भी पीने को मिलती है फ्री, और ये कुछ लोग लेके भी आ रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, ये कुछ लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो है ना खजूरें बिल्कुल फ्री मिलती हैं, ठीक है। ये देखें, ये उन्होंने वो लगाए हुए हैं यहाँ से, ये कहवा, ये कुछ लोग यहाँ से कहवा पी रहे हैं, ठीक है। ये अभी आगे मेरे ख्याल से खजूरें भी होंगी, ठीक, हाँ
ये देखें ये लोग लेके आ रहे हैं, मैं भी चलता हूँ और यहाँ से खजूरें लेता हूँ। ये मैंने काफ़ी सारी खजूरें ले ली हैं, तकरीबन 8-10 खजूरें उसने काफ़ी दे दी हैं मुझे, ठीक है। तो ये बिल्कुल 3 नंबर हमाम के ना बिल्कुल पीछे वाली साइड पे जो रास्ता आता है ना, वहाँ से आपको खजूरें भी मिल जाती हैं माशाल्लाह खाने के लिए, और आपको पीने के लिए काबा भी मिल जाता है। तो अभी मैं इंशाल्लाह चलूँगा हरम की तरफ खाना काबा के अंदर, वहाँ से भी आपको ये जो जेवर की दुकानें हैं ज्वेलरी की, यहाँ से जो है ना जेवर काफ़ी सस्ता होता है। तो ये फाइनली मैं हरम के अंदर आ चुका हूँ खाना काबा के अंदर, मैं इंशाल्लाह से यहाँ से आपको खाना काबा की ज़ियारत भी करवाऊँगा, ठीक है, लाइव। तो यहाँ से अभी जो नमाज का टाइम है नमाज जोहर का, तो मैं जो नमाज जोहर यहीं पे हरम पाक में अदा करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं वापस आपको मतलब वापस चला जाऊँगा, ठीक है। ये माशाल्लाह से आप लोगों का रश भी चेक कर सकते हैं कि काफ़ी लोगों का रश इधर बना हुआ है, क्योंकि नमाज जोहर हर बंदे की कोशिश होती है कि यार नमाज जो है ना वो हरम पाक में अदा करें। तो मैं भी इंशाल्लाह यहीं पर जो है ना अपनी नमाज अदा करूँ। अभी जो है नमाज का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक लाजमी करना। जज़ाकअल्लाह खैर।